तो परसों रात को जब मैं ऑफिस से रिटर्न आ रहा था घर पे, तो एक अजीब सी घटना हुई मेरे साथ। जो कार थी अपनी वो थर्ड गियर में थी, और जैसे मैंने फोर्थ गियर में शिफ्ट किया तो उसने एक्सेलरेशन लेना ही छोड़ दिया। यस गाइस, एक्सेलरेशन छोड़ दिया है। अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ पे मैंने रेस पेडल दबा के रख दिया था, फिर भी वो कार जो है अपनी रेस नहीं ले रही थी, और मैंने पूरा भी दबा दिया तो भी मतलब आरपीएम जो थे वो बढ़ नहीं रहे थे। और आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ अचानक। और जब मैंने फिर से थर्ड पे शिफ्ट किया तो तब जाके कार जो है वो अपने गियर में एंगेज हो गई और देन आगे बढ़ी। तो मुझे लगा कि ये कॉमन सा इश्यू होगा जो कार ने मतलब गियर एंगेज नहीं किया होगा। लेकिन जैसे मैं अपने बिल्डिंग के पास फिर से आ गया तो अचानक से कार ने फिर से जो है वो दम तोड़ दिया। यानी कि मैं एक्सेलरेटर दबा रहा हूँ सेकेंड गियर में और पर अपनी कार जो है वो एक्सेलरेट हो ही नहीं रही। मैंने पूरा पेडल दबा के रखा, फिर भी जो कार थी वो एक्सेलरेट हो नहीं रही थी अपनी। और मुझे लगा कि अभी भी फिर से गियर डिसएंगेज हुआ रहेगा। तो थर्ड गियर एंगेज हो गया था, लेकिन इंजन के आरपीएम्स जो थे वो अब भी 1,500 के आसपास ही आइडल कर रहे थे। और मैं एक्सेलरेटर पूरा प्रेस कर दे रहा था, फिर भी वो जो एक अपनी कार एक्सेलरेट नहीं हो पा रही थी। और आई डोंट नो ये क्यों हुआ। एंड जैसे मैं बिल्डिंग के स्लोप के पास पहुंचा कार चढ़ाने के लिए, तो मैं बस विश कर रहा था कि भाई चढ़ जा अब तो, तू इसने आइडल स्पीड पे तो एटलीस्ट चढ़ जा। तो जैसे मैंने फर्स्ट गियर एंगेज किया तो कार एंगेज हो गई और अपने आप जो है वो आरपीएम्स पकड़ने लगी। एंड देन मैंने कार ऊपर चढ़ाई बिल्डिंग में और यहाँ पे पार्क कर दी, और उसके बाद मैंने कार ऑफ कर दिया। एंड देन अगेन रीस्टार्ट किया मैंने कार को अपने यहाँ से, एंड फिर इंजन रीस्टार्ट हुआ। और जगह पे मैंने जब एक्सेलरेट किया तब ऑलमोस्ट मैं 5,000-6,000 आरपीएम तक पहुंचा पा रहा था फिर कार को। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था और क्यों अचानक से कार जो है बीच बीच में दम तोड़ दे रही थी, जबकि मैं एक्सेलरेटर दबाया जा रहा था फिर भी वो आरपीएम्स बढ़ ही नहीं रहे थे, इंजन जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। आई डोंट नो इसके रीज़न क्या था और क्या है। तो आज फास्ट फॉरवर्ड 2 दिन के बाद मैं अब सर्विस सेंटर इसे लेके जा रहा हूँ। यानी कि कल दिन भर कार जो थी वो यहीं पे थी बिल्डिंग में खड़ी हुई, और मैं कल बस से गया जॉब पे। तो आज संडे है, आज संडे को आप देख सकते हो आज 10:24 हुए और 28 का डेट है आज, और आज मार्च सॉरी अप्रैल है। तो या तो आज के दिन मैं लेके जा रहा हूँ सर्विस सेंटर ये चेक कराने के लिए कि इशू जो है वो बड़ा इशू है कि नहीं। और हाँ, इंजन चेक लाइट भी कुछ नहीं आ रहा था, ना ही अभी आ रहा है। तो आई डोंट नो ये मेजर इशू है या माइनर इशू है। अब मैंने सर्विस सेंटर को कॉल कर दिया, तो उस सर्विस सेंटर में मैंने अपने सर्विस एडवाइजर को कॉल किया डायरेक्ट, और उन्होंने कहा कि आप जस्ट कार लेके आ जाइए संडे के मॉर्निंग में, मैं आपके अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहा था और हम देखते हैं रेक्टिफाई करते कि क्या इश्यू हो सकता है कार में। और आई होप कि ये लाइक मेजर इशू ना हो, माइनर ही हो। अगर मेजर इशू होगा तो पता नहीं क्या क्या फिर कितने दिन लगेंगे और कितना खर्चा होगा ये सब, लेकिन आपको मैं अपडेट करा दूंगा। तो अभी के लिए चलो जाते सर्विस सेंटर, मैप लगाते एंड देन हम सर्विस सेंटर की ओर बढ़ते एंड देखते क्या रेक्टिफाई होता है प्रॉब्लम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस फाइनली हम जो है वो पहुंच गए हमारे सर्विस सेंटर में, आप देख सकते हो। तो देखते हैं अभी अंदर क्या होता है और कैसा रहता है सब एक्सपीरियंस। मच 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 लेटर। तो गाइस फाइनली कार जो है अपनी वो फिर से अभी चल चुकी है, और अच्छे से उन्होंने चेक किया तो कुछ उसमें ब्रेक लाइट का फॉल्ट बता रहा था, और जो थर्ड पिस्टन का स्पार्क प्लग था उसका कुछ एक लाइक उनको रीडिंग में मिला था, कुछ फॉल्ट मिला था। तो उन्होंने स्पार्क प्लग निकाल के स्पार्क प्लग को आई थिंक वो स्पार्क प्लग पे कुछ कार्बन जमा होगा, तो उन्होंने शायद से क्लीन किया और फिर उन्होंने फिर से रीफिट किया। एंड देन वो कोड जो है वो रिसेट किया फिर से उनके लैपटॉप से जो कनेक्ट करके लगाते हैं ओबीडी स्कैनर से। और उसके बाद अभी उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव भी लिया और मैं भी उनके बाजू में बैठा था। तो अभी फिलहाल तो कार एकदम प्रॉपरली है। उन्होंने कहा कि कुछ भी दिक्कत आता है तो आप फिर से बेझिझक आ जाइएगा, डायरेक्ट कॉल करिएगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करके आ जाइएगा। और उन्होंने कहा कि ऐसा अभी कुछ दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कार भी प्रॉपरली अभी टेस्ट ड्राइव करी, बाजू में मैं भी था और काफ़ी अच्छे से कार एक्सेलरेट भी हो रही थी, और थर्ड पिस्टन का जो स्पार्क प्लग था वो भी उन्होंने क्लीन करके फिर से रिप्लेस किया है, मतलब रीफिट किया है वही सेम स्पार्क प्लग। और एज सच अभी बैटरी का भी कोई इशू नहीं है, सब बाकी के जो चेक लाइट्स होते हैं वो मतलब नहीं दिखाई दे रहे, इंजन चेक लाइट्स वगैरह हमारे डैशबोर्ड क्लस्टर के अंदर। तो अभी के लिए हम घर पे निकलते हैं, तो ज़्यादा मेजर इशू नहीं निकला लकीली, मतलब कुछ ज़्यादा कोडिंग नहीं दिखी उनके लैपटॉप में, मेजर इशू नहीं था कार के रिलेटेड। और अभी टेस्ट किया सब प्रॉपर था, ओके था, अभी हम घर पे निकलते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके कार में भी कोई ऐसा दिक्कत आता है सच कि एक्सेलरेट आप एक्सेलरेटर दबा रहे हो और एक्सेलरेट नहीं हो रही है कार, तो
आप भी सर्विस सेंटर ही जाके दिखाइएगा, ऑथोराइज सर्विस सेंटर में या फिर आप लोकल गैरेजेस में भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि फॉल्ट एक्चुअल कहाँ कहाँ पे आते हैं ऐसे ऐसे केसेस में। और अभी के लिए हमारे कार में कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, चार्ज की जहाँ तक बात है तो अभी तक 0 रुपीस मतलब ये टाइम लिए उन्होंने, तो जो कि अच्छी बात है, फ्री में उन्होंने कोड्स जो है वो रीसेट करके दे दिए और कार भी अपनी अंडर वारंटी है और 1 साल बचा कार के वारंटी के लिए, तो या ये भी अच्छी बात है, तो अंडर वारंटी ये सब कवर हो जाता है आपके। तो या चलो घर पे निकलते और अभी मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।